बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काजमी। और कहने वाले कहते हैं, पहले धमकियाँ लगाओ और बात ना बने तो पाँव पड़ जाओ, और कभी ये कहो कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, और फिर ये कह कि अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, और उस खातून जैसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ जिसके खिलाफ बात की है। तो डट के खड़ा है मेरा कप्तान, और एक तरफ वो गले पड़े होते हैं, दूसरी तरफ वो पाँव पड़ जाते हैं, एक तरफ वो धमकियां देते हैं जलसे जुलूसों में न्यूट्रल जानवर होता है, और दूसरी तरफ खुफिया मुलाकातें करके माफ़ी तलाफी करते हैं। तो मेरे कप्तान ने साबित किया कि वो खड़ा नहीं होता बल्कि लेट जाता है, और जब मौका मिले तो वो अपनी बात से पीछे अड्डे में देने लगा था। वैसे तो खान साहब ने हमेशा साबित किया कि वो यूटर्न लेने के मास्टर हैं, और इस केस में भी सबको मालूम था जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने जलसा आम में भी खिताब करते हुए कहा था कि उन्हें जज ने बोलने नहीं दिया वरना वो माफ़ी मांग लेते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज धमकी केस में खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने का मामला कर दिया गया है, पोस्टपोन मुलतवी कर दिया गया, मुलतवी नहीं कर दिया गया बल्कि इस मामले को ख़त्म ही कर दिया गया। इस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, और उस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इमरान खान की जानिब से मांगी गई माफ़ी पर अदालत मुतमईन है, इमरान खान बयान खल्फी देते हैं तो इसे ज़ेर गौर लाया जाएगा, इसलिए फर्द जुर्म की कार्रवाई पर समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। इमरान खान की रोस्टम पर की गई मुकम्मल गुफ्तगू हुक्मनामे का हिस्सा बना दी गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के माफ़ी के बयान पर इत्मीनान का इजहार करती है। तो खान साहब ने अदालत में जो माफ़ी मांगी वो बड़ा दिलचस्प है, और उस माफ़ी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। और खान साहब ने इस्लामाबाद में वर्कर कन्वेंशन से भी आज खिताब किया, और उन्होंने कहा कि वो हफ्ते को तहरीक चलाने की कॉल दे रहे हैं, यानी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है उसकी कॉल अब खान साहब हफ्ते को देंगे। इससे पहले गुमान ये किया जा रहा था कि खान साहब हफ्ते से चला रहे हैं तहरीक आज़ादी की तहरीक, या हकीकी आज़ादी की तहरीक, या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं, तो उसके लिए शायद वो हफ्ते से इसका आगाज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने आज इस बात का ऐलान कर दिया कि हफ्ते को तारीख बताएंगे। तो ये एक और मिस कॉल है जो खान साहब की जानिब से आई है, और खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीखें देते हुए मिस कॉलों पर मिस कॉलें मार रहे हैं, और ये इस मिस कॉल के बाद देखते हैं कि क्या हफ्ते को तारीख देते हैं या नहीं देते। तो इसका मतलब है कि मामला जो मैंने आपको बताया हुआ कि वो तारीख उनके जहन में क्या है, वो सितंबर की आखिरी जो तारीखें हैं उसमें उनका इरादा है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, और इस्लामाबाद में भी खासी तैयारी की हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तरीकन साहब को मशवरा दिया है कि जनाब आप वापस जाएँ और जाके कौमी असम्बली का हिस्सा बने, अवाम ने आपको वोट दिए हैं, और आपका काम है कि अवाम की मंगों पर पूरा उतरें, और जो भी कानून साजी हो रही है उसमें जाके आप अपना पार्टिसिपेट करें। तो चीफ जस्टिस का ये मशवरा जो है कौमी असम्बली में जाकर अपना किरदार अदा करने का तहरीक-ए-इंसाफ साहब को, इसके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर काफ़ी लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ये बात ठीक है, और अवाम ने हमें बाकी 5 साल के लिए मुंतब किया है, और बाहर रह के तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, या जिस तरह वो चाह रहे हैं कि वो दबाव डाल के हुकूमत पर इलेक्शन करा लें, उससे तो नहीं लगता कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो असम्बलियों में वापस जाने का इरादा रखती है। ये केस है कि डिप्टी स्पीकर कासम सूरी के इस्तीफे मंजूर किए जाने के हवाले से, 123 अराकीन के इस्तीफे उन्होंने मंजूर कर लिए थे, लेकिन बाद में इसको कौमी असम्बली के मौजूदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने होल्ड किया हुआ था, और वो उन्होंने ये कहा था कि अराकीन असम्बली उनके पास ज़ाती तौर पर पेश होकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या स्पीकर से कभी पूछा है कि इस्तीफों की वो तस्दीक क्यों नहीं कर रहे, स्पीकर का अपना तरीक़ेकार है, हम स्पीकर के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस्तीफों की मंजूरी के लिए जल्दी ना करें, एक बार सोच लें, पार्टी अरकान आपकी लीडरशिप है, इसके बाद अदालत ने उस बात मुलतवी कर दी। लेकिन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अदालत की तरफ से ये कहा जाना कि आप असम्बली में वापसी का सोचें, ये एक बहुत बड़ा यानी इसको भी एक ब्रेक थ्रू कहा जाता है। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी वैसे कह चुकी है। तो अदालतों का मूड ये कि खास साहब जो है वो लॉन्ग मार्च और धरने की बजाय अच्छे बच्चों की तरह असम्बली में वापस जाएं, इसलिए अदालतें उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ भी दे रही हैं, और ये रिलीफ जो है वो नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी नज़र आया और भी चीज़ों में नज़र आ रहा है। तो अदालतों के ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अदालतों का जो इंसाफ का जो मेयार है वो दोहरा है।
हमने माजी में देखा कि बहुत से केसों में माफ़ी मांगने के बावजूद तौहीन अदालत के केसेस दर्ज किए गए और उनको सजाएं दी गई, 5-5 साल के लिए नाहल किया गया है। निहाल हाशमी तो बाकायदा इसमें जेल काट के आए, उनको 1 महीना जेल में रखा गया, और तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ उनको 5-5 साल की नाहली का जो है वो दाग बर्दाश्त करना पड़ा है, वो असम्बली के रुकन नहीं बन सकते। और ख़ान साहब ने जिन्होंने ना सिर्फ जज को धमकियाँ दी बल्कि पुलिस के आईजी और डीआईजी को धमकी दी। अब इस केस का दिलचस्प पहलू ये है कि अदालत ने जज को दी जाने वाली धमकी के ऊपर तो एक्शन लिया, लेकिन जो पुलिस अफसरान को धमकियाँ दी गई आईजी और डीआईजी को, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इस फैसले के बाद फैसल जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने 2-3 बातें की जिससे मुझे लगा कि वो अपने हवास में नहीं है, और हवास में ना होने की वजह जाहिर है वो लगता ये कि जब खौफ से टांगें कांपने लगती हैं, कांपे टांगने लगती हैं, तो फिर जो है वो कोई ना कोई ऐसी अदवियात इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद फिर मुंह से मुगलजात या कोई और लगवियात निकलती हैं। तो ये अदवियात लगवियात और ये तल्लुक उसी का है, ये जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं ना, वो जो चूहा दुम पे खड़ा हो जाता है तो आपको पता ही किस वजह से खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने जो 2-3 बातें की, मैं उसकी वजह से कह रहा हूँ, मुझे उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि बस अगले चंद हफ्तों में इमरान खान साहब खलफ उठाने वाले हैं, और हम सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि खलफ जो है डी चौक से उठाया जाए। तो ये बात कोई होश में रहने वाला शख्स नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने कहा जी हाँ साहब ने तो अदलिया आज़ादी की बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी, और नवाज शरीफ तो गुजरांवाला से वापस हो गए थे, वो तो आगे तो इमरान खान साहब गए थे और उन्होंने तहरीक चलाई थी, उनकी वजह से अदलिया बहाल हुई है। तो ये एक तारीखी झूठ है, और इसको जाहिर है ये भी उनकी उसी हालत में की गई बात का बात लगती है। तो उनकी इस तरह की बातों से लगता यूँ है कि वो आज खास से घबराए हुए थे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाज शुरू हुई तो इमरान खान साहब सबसे पहले भागकर अगली सीटों पर बैठ गए। इससे पहले वो पिछली दूसरी तीसरी चौथी बेंच पर बैठे थे जब पेश हुए थे, और इस बार वो बिल्कुल अदालती बेंच के सामने बैठे थे, और उनके वकील हामिद खान ने जैसे ही समाज शुरू हुई और अदालत ने यानी जज साहब ने कहा जी अब फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज़ होता है, तो फौरन वो खड़े हो गए। हामिद खान ने कहा जी मेरे मोकल आपसे बात करना चाहते हैं, और इससे पहले कि अदालत उन्हें इजाज़त देती या उन्हें रोकती, मोकल साहब फौरन रोस्टर में पहुंचे इमरान खान साहब, और उन्होंने तकरीर शुरू कर दी, और उन्होंने कहा जी मैं तो माफ़ी मांगता हूं, और मैं पहले भी माफ़ी मांगना चाहता था, मुझे अगर बोलने का मौका दिया जाता, यानी लड़ाई लड़ाई माफ़ करो जनाब, वो सीधा सीधा उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जी मैं तो जज के पास भी माफ़ी मांगने के जाने के लिए तैयार हूँ, जिसके जो जस्टिस मजिस्ट्रेट हैं जेबा और उनकी पास भी जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ अगर उनकी दिल आज़ारी हुई। अगर तो खास साहब ने हर काम में अगर इस्तेमाल किया, और ये उन्होंने लिया मार्जिन, लेकिन इस मार्जिन को अदालत ने नज़रअंदाज किया और अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी। हालांकि इसके इसी तरह का केस राना शमीम का है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के सबक जज हैं, और उनका एक केस था बहुत बड़ा जिसमें उनको उनके ऊपर भी तौहीन अदालत का की आयद की गई, अदालत की जानिब से आयद की गई। उन्होंने बताया था कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकब निसार, वो उनके पास इस्लामाबाद वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान आए थे, और वहाँ बैठ के उन्होंने इस्लामाबाद के जजों को हदायत की थी कि मरियम नवाज़ और नवाज की ज़मानतें ना होने दें। तो इस बात को अदलिया ने अपने ऊपर इल्ज़ाम करार दिया और उनके ऊपर एक तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया, और उनको बाकायदा धमकाया जाता रहा कि आप सबूत लाएँ, आप ये करें, आप वो करें, और उनको फिर उनके ऊपर फर्द जुर्म भी लगा दी गई, और फर्द जुर्म लगने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, तो उसके बावजूद भी उन्हें कहा गया कि देखते हैं हमने माफ़ करना है कि नहीं करना, और आपका जो जुर्म है वो तो ऐसा नहीं कि माफ़ किया जाए, लेकिन देखते हैं। तो ये रिमार्क्स इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए। तो ये दो बड़ी मिसालें थी इंसाफ का जो दोहरा म्यार हमें नज़र आया, उसी की वजह से आज दुनिया में अदलिया का जो नंबर है उसके ऊपर जब बात करते हैं तो फिर जो है यानी अब एक अदालत जो है वो इमरान खान साहब के लिए सदकेबारी जा रही है, और बाकियों के लिए वो जनाब वो जज साहब जो वो इंसाफ की का अंधा कानून बने हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम ने ये सूरत हाल देखी तो एक बात अच्छी हुई है, खान साहब की वजह से कम सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, और ख़ुद खान साहब ही कर रहे हैं। अब खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना है, वो जाएंगे इस्लामाबाद, राणा सरावला उनके लिए उनको वेलकम करने के लिए बैठे हुए हैं। वैसे रेड जोन पे जो कल बहुत ज़्यादा कंटेनर वगैरह लगाए गए थे वो हटा लिए गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये कंटेनर उन्होंने किसान जो है उनकी एहतजाज के पेश नज़र लगाए थे। अब चूँकि किसानों का एहतजाज जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात हो गया हुकूमत के वज़ीर दाखिला के, और
इस वजह से वो कंटेनर हटा लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जब भी इमरान खान साहब इस्लामाबाद आना चाहेंगे तो हम जो है वो कंटेनर दोबारा लगा देंगे। और इसके अलावा उन्होंने धमकी दी कि टीयर गैस, शेलिंग, रबड़ बुलेट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम उनका इस्तकबाल करेंगे। तो खान साहब जो है वो यानी वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, कब जाएंगे ये हनूज एक मौमा है, एक राज है, और ये तारीख उन्होंने देनी है और ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले हमेशा समझ आता है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना या इस्लामाबाद को में जाके धरना देना, इसके पीछे हमेशा ताकतवर हलकों का हाथ रहा है या हाथ होता है। और इसमें ज़्यादातर हमने देखा कि जब भी कोई बड़े अहदे पर तकर्री या किसी बड़े अहदे पर तकर्री तबादलों का मामला होता है तो इस तरह की एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस बार भी एक बहुत बड़ी तकर्री जो है जिसको खास साहब ने खुद मुतनादा बना दिया, वो आर्मी चीफ की तकर्री है। और अब उस तकर्री को मुतनादा बनाने के बाद अगर खास साहब ये समझते हैं कि वो इस्लामाबाद को घेरे में ले लेंगे और वो अब हुकूमत पर दबाव डालकर इलेक्शन की तारीख ले लेंगे या फिर ताकतवर हल्के उनकी ये बात मानकर इलेक्शन की तारीख दे देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो मौजूदा हुकूमत को टॉपल करके या उसे गिरा कर खुद भी वो समझे कि मैं उस तारीख से पहले आ जाऊँगा जिस तारीख के बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि उस तारीख को आर्मी चीफ अपने उद्देश्य से रुख्सत हो जाएंगे। नवंबर वो डेट है, तो अक्टूबर में भी अगर खान साहब को ये हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी जो निगरान हुकूमत होती है उसको इलेक्शन कराने के लिए कम से कम 3 माह की मुद्दत दरकार होती है, तो खान साहब तो फिर भी नहीं होंगे। तो फिर खान साहब का मकसद क्या है? तो खान साहब का मकसद एक ही है, वो मकसद ये है कि किसी तरह इस हुकूमत को खासकर शहबाज शरीफ को रुख्सत किया जाए। ये बात उन्होंने मुख्तलिफ हलकों से खुफिया मुलाकातों में भी कही थी कि अगर नवाज शरीफ को हटा दिया, शहबाज शरीफ को आप हटा दें तो वो फिर इलेक्शन जो वो किसी भी उसकी कोई भी डेट आगे कर दीजिए और निगरान हुकूमत को आप भले 3 माह की बजाय कुछ और ज़्यादा वक्त दे दें। तो खास साहब ने अगर इलेक्शन कराने हो तो फिर उनके लिए आसान तो हाल ही है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें अपनी उनकी वो तोड़ दें असम्बलियाँ, तो हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। लेकिन ये काम वो नहीं कर रहे, तो फिर ये सारे काम वो क्यों कर रहे हैं? क्या उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो डेट मिल जाएगी जबकि उन्हें अदालतें कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट वापस जाए? अब यहाँ जो मैंने आपको शुरू में चीज़ें बताई उसको मैं कंक्लूड करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये मशवरा देना कि आप अदालत में वापस जाएं ये कोई आम मशवरा नहीं है। और खान साहब ने अगर इस्लामाबाद जाना है तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत उस जगह पर धरना देना पड़ेगा जो कि जिसकी जो जगह मुख्तस की होती है, तो वो डी चौक में या उससे आगे रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो अगर वो होंगे तो फिर अदलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले या कार्रवाई करे। तो क्या इस ट्रैप में खास साहब जाने के लिए तैयार है या वो इस वक्त लॉन्ग मार्च के लिए इत्माम हुज्जत कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये कि अगर खास साहब गए भी यानी इस्लामाबाद की तरफ तो इस बार भी उनका उसी तरह का मामला होगा जिस तरह 25 मई को हमने देखा, इत्माम हुज्जत करेंगे। खास साहब जो है वो इस बार जो जाने के लिए उन्होंने एक नई कार्रवाई डाली है और वो हर एक से इस बात का ओथ ले रहे हैं, हलफ ले रहे हैं बाकायदा कि जनाब हलफ उठाएं। बहुत से लोगों से बाकायदा हलफ नामे लिए गए कि वो इस बार अगर जाएंगे तो साथ नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब एक उन्हें खदशा इस बात का है कि इस बार फिर उन्हें बीच रास्ते में लोग छोड़कर निकल जाएंगे। तो खान साहब कन्फ्यूज़ हैं और कन्फ्यूज़ ये कि ये उनका लॉन्ग मार्च जो है ये उनकी फाइनल कॉल होगी या आखिरी कॉल होगी, या आखिरी कॉल भी हो सकती है क्योंकि इसके बाद फिर खान साहब के पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये कॉल उनकी नाकाम हो जाती है तो उन्होंने इतना जो अपना एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ है वो प्रेशर जो है फिर वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, वो रिलीज़ हो जाएगा। तो देखते हैं खान साहब हफ्ते को जो कॉल देते हैं उसके क्या नतज निकलते हैं। अब तक इतना ही कि खान साहब को माफ़ी मिल गई है, जो सबको पता था, जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको हमसे ज़्यादा बेहतर पता था। बहुत से लोगों ने तो कहा था कमेंट्स में कि फर्द जुर्म आयद ही नहीं होगी, तो लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि अब जज हो तो क्या फैसला हो सकता है और क्लाइंट कौन सा हो तो उसके हक में उसके लिए कौन सा फैसला आ सकता है। तो ये पाकिस्तान की अदलिया इतनी प्रेडिक्टेबल हो गई है और उसको इतना प्रेडिक्टेबल कर दिया गया कि अब आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि बेंच में अगर कौन से लोग मौजूद हैं और वो क्या फैसला कर सकते हैं। अब खास साहब को माफ़ी देने के बाद तो असूली तौर पर यह बनता है उन तमाम लोगों जिन्हें तौहीन अदालत के जुर्म में डिसक्वालीफाई किया गया, नाहल किया गया, उनके केसेस दोबारा सुने जाएँ और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करके ये रूल ही ख़त्म कर दिया जाए तौहीन अदालत का, ताकि ना रहे बांस ना रहे बांसुरी। तो असल बात ये कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो जिसको चाहे सिसिलियन माफिया करार दे, वो जिसको चाहे गॉडफादर करार दे, वो जिसको चाहे हीरो करार दे, अजीम लीडर करार दे, और ये उनकी कहते हैं जो
चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, तो इस वक्त अदालतें उस मोड से मोड में नहीं है जो 2018 या उसके बाद था। उस वक्त अदालतों को मुस्लिम लीग नून या खासा को खालफी में बुराइयाँ बुराइयाँ नज़र आती थी। अब चूँकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मामला चल रहा है, तो अदालतों ने जो गलत फैसले किए हैं उनको वो अब यानी तारीख में ज़ाहिर है उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि अदालतों ने बहुत सारे गलत फैसले किए, तो उनको दुरुस्त करने के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें या ऐसे रिमार्क्स देखने में आ रहे हैं जिससे लगता है कि जैसे ये केसेस जो है वो ज़ाती इंतकाम या ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पर दर्ज किए गए थे। तो ये कोई छुपी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने मुकदमात या जो कुछ सियासी इंतकाम के तौर पर जो कुछ हुआ वो अगर अब रिवर्स हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो ये सिर्फ आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोगों की किरदार कुशी करते रहे और अब उसी को बैलेंस करने के लिए कल यानी कल अगर अदालत ये कह रही थी कि अगर नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह लेता है तो वो गॉडफादर है, वो सिसिलियन माफिया है, और आज अदालत ये कह रही है कि मरियम नवाज ने के फ्लैट जो वो साबित करना नैब का काम है, अगर कोई अपने वालद के साथ रहता है या वालद के ज़ेर कफालत है तो इस बात का क्या सबूत है कि वो जायदाद भी उसी की है। तो ये अदालतों का यानी कमाल है कि वो जज साहब के जो चश्मा लगाए उनको उसमें से वही नज़र आता है। तो मौजूद अदालत ने इमरान खान को माफ़ी पर मजबूर करके अपने मातहत मौजूद जज की इज्जत और रिट बहाल करा दी है। अब रहा मसला आईजी इस्लामाबाद का और डीआईजी का, उनको धमकियों का, तो वो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दें, फिर वो अपनी अभी अपनी जो रिटायरमेंट के बाद अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कर लें, क्योंकि उनको उनको भी खास अपनी धमकी लगाई हुई है और वो भी बहुत से लोगों के उसमें रेड लाइन में होंगे। क्योंकि यूसुफ जगलानी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी, इन्होंने भी अदालत से माफ़ी मांगी थी, लेकिन अदालत को उस वक्त ये माफ़ी हजम नहीं हुई थी। अब तक के लिए इतनी आपसे मुलाकात होती है अगले वीलॉग में। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।